AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत के एक बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख को राजनीति में दखल देने की जरूरत नहीं है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने संशोधन नागरिकता कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों की आलोचना की थी। इस बात पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ओवैसी ने दावा किया कि ऐसी टिप्पणियां सरकार को कमजोर करती हैं। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान को वो भी गलत है। फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद किए हैं, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था, वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको, ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, ये तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर।